सुप्रीम कोर्ट में बुधवार को कोरोना वैक्सीन कोविशील्ड की जांच के लिए एक याचिका दाखिल की गई है। कोविशील्ड फॉर्मूला ब्रिटिश फार्मा कंपनी एस्ट्राजेनेका से लिया गया था। एस्ट्राजेनेका ने अब ब्रिटिश अदालत में माना है कि उनके वैक्सीन के गंभीर साइड इफेक्ट्स हैं। कोविशील्ड के बाद ही लोगों में हार्ट अटैक के मामले बहुत ज्यादा बढ़े हैं, कई तरह की गंभीर बीमारियां हुई हैं। भारत एट नाइन देख रहे हैं आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। कोरोना खत्म हो चुका है या नहीं खत्म हुआ, ऐसे बहुत सारे सवाल हैं जो लोगों के मन में चल रहे हैं। देखिए, अगर कोरोना की हम बात करें तो सुप्रीम कोर्ट में बुधवार को कोरोना वैक्सीन कोविशील्ड की जांच के लिए एक याचिका दाखिल की गई है। इसमें कहा गया है कि कोविशील्ड के साइड इफेक्ट की जांच करने के लिए एक्सपर्ट पैनल बनाने का निर्देश जारी किया जाए। याचिका एडवोकेट विशाल तिवारी ने लगाई है। उन्होंने कहा है कि वैक्सीन लगने के बाद किसी को नुकसान पहुंचा तो उन्हें हर्जाना देने का सिस्टम बनाया जाए। भारत में सबसे पहली कोरोना वैक्सीन कोविशील्ड है, इसे पुणे के सीरम इंस्टीट्यूट ने बनाया है। कोविशील्ड फार्मूला ब्रिटिश फार्मा कंपनी एस्ट्राजेनेका से लिया गया था। एस्ट्राजेनेका ने अब ब्रिटिश अदालत में माना है कि उनके वैक्सीन के गंभीर साइड इफेक्ट्स हैं। उन्होंने कहा कि कुछ मामलों में थ्रोम्बस थ्रोमोसाइटोपेनिया सिंड्रोम यानी कि TTS हो सकता है। इस बीमारी से खून में शरीर के थक्के जम जाते हैं और प्लेटलेट्स की संख्या गिर जाती है। कोविशील्ड पर याचिका का हर पहलू सवाल जवाब लोगों के मन में उठ रहे हैं। देश में कितने लोगों को कोविशील्ड वैक्सीन लगाई गई है? इसका जवाब है 175 करोड़। वैक्सीन ड्राइव के बाद अब सुप्रीम कोर्ट में याचिका क्यों? एस्ट्राजेनेका ने ब्रिटिश अदालत में माना है कि उसकी वैक्सीन के गंभीर साइड इफेक्ट्स हैं। हालांकि ऐसे केसेस बेहद दुर्लभ हैं। इसके बाद भारत में कोविशील्ड की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई गई है। वजह है कोविशील्ड भी एस्ट्राजेनेका के फॉर्मूले पर बनी हुई है। इसके अलावा तीसरा सवाल ये उठा है कि सुप्रीम कोर्ट में लगाई गई याचिका में क्या कहा गया है। कोविशील्ड वैक्सीन के साइड इफेक्ट की जांच के लिए मेडिकल एक्सपर्ट्स का पैनल बनाने के निर्देश भी जारी किए जाएं। इस पैनल में एम्स दिल्ली के एक्सपर्ट भी हों। पैनल की अध्यक्षता एम्स के डायरेक्टर करें और जांच की निगरानी का जिम्मा सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज के पास हो। एक्सपर्ट पैनल इस बात की जांच करें कि कोविशील्ड वैक्सीन के साइड इफेक्ट्स हैं क्या, अगर हैं तो कितने गंभीर हो सकते हैं। वैक्सीन लगाने के बाद किसी को गंभीर नुकसान पहुंचा या जान गई तो केंद्र को निर्देश दिए जाएं कि वो ऐसे लोगों को हर्जाना देने के लिए वैक्सीन डैमेज पेमेंट सिस्टम बनाए। साइड इफेक्ट्स पर एक्सपर्ट्स क्या कहते हैं? एस्ट्राजेनेका के फॉर्मूले पर कोविशील्ड बनी, एस्ट्राजेनेका ने UK कोर्ट में क्या कहा, ये जानना बहुत जरूरी है। COVID-19 वैक्सीन से खतरनाक साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, हालांकि ऐसा बहुत रेयर मामलों में ही होगा। वैक्सीन से कुछ मामलों में थ्रोम्बोसिस थ्रोमोसाइटोपिनिया सिंड्रोम यानी कि TDS हो सकते हैं। इस बीमारी से शरीर में खून के थक्के जम जाते हैं और प्लेटलेट्स की संख्या गिर जाती है। उन लोगों के प्रति हमारी संवेदनाएं हैं जिन्होंने अपनों को खोया है या गंभीर बीमारियों का सामना करना पड़ा है। दवाइयों और वैक्सीन के सुरक्षित इस्तेमाल के लिए सभी मानकों का पालन भी करते हम आ रहे हैं। दुनिया भर के रेगुलेटर्स ने भी माना है कि वैक्सीन से होने वाले फायदे इसके दुर्लभ साइड इफेक्ट से कहीं ज्यादा हैं। एस्ट्राजेनेका को ब्रिटिश कोर्ट में क्यों जाना पड़ा, सवाल ये भी है। देखिए, अप्रैल 2021 में जेमी स्कॉट नाम के शख्स ने ये वैक्सीन लगवाई थी। इसके बाद उनकी हालत खराब हो गई। शरीर में खून के थक्के बनने का सीधा असर उनके दिमाग पर पड़ा। इसके अलावा स्कॉट के ब्रेन में इंटरनल ब्लीडिंग भी हुई। रिपोर्ट के मुताबिक डॉक्टर्स ने उनकी पत्नी से कहा था कि वो स्कॉट को नहीं बचा पाएंगे। जेमी स्कॉट की पत्नी ने ब्रिटिश कोर्ट में एस्ट्राजेनेका के खिलाफ पहला केस दर्ज करवाया था। इस पूरे केस में क्या कोई चौंकाने वाली बात थी? एस्ट्राजेनेका वैक्सीन का इस्तेमाल अब ब्रिटेन में नहीं हो रहा है। खबरों की माने तो बाजार में आने के कुछ महीनों बाद वैज्ञानिकों ने इस वैक्सीन के खतरे को भांप लिया था। सुझाव दिया गया था कि 40 साल से कम उम्र के लोगों को दूसरी किसी वैक्सीन का भी डोज दिया जाए, क्योंकि एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन से होने वाले नुकसान कोरोना के खतरे से ज्यादा थे। मेडिसिन हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स रेगुलेटरी यानी कि MHRA के मुताबिक ब्रिटेन में साइड इफेक्ट से जूझने वाले हर 5 में से एक व्यक्ति की मौत हुई। फरवरी में 163 लोगों को सरकार ने मुआवजा दिया था। इसमें से 158 ऐसे थे जिन्होंने एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन लगवाई थी। एस्ट्राजेनेका केस में जिस खतरनाक TDS का जिक्र है उसके कई साइड इफेक्ट्स हैं। सिर दर्द होना, खून के थक्के जमना, निशान आना, साथ ही साथ इसके अलावा जी मिचलाना, घबराहट होना, BP लो होना, ये तमाम जो साइड इफेक्ट्स हैं वो इसका जिक्र करते हैं। इसके अलावा विवाद क्या है ये जानना भी जरूरी है। देखिए, साल 2020 में कोरोना वायरस महामारी आने के बाद एस्ट्राजेनेका कंपनी ने इसकी वैक्सीन को तैयार किया था।
भारत में सीरम इंस्टीट्यूट ने एस्ट्राजेनेका को कोविशील्ड के नाम से ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के साथ मिलकर बनाया। 2021 में पहली बार तैयार हुई एस्ट्राजेनेका वैक्सीन कोविशील्ड लगातार सवालों के घेरे में रही है। आज से नहीं, जब से बनी है तब से। कई देशों ने 2021 में ही इस वैक्सीन पर प्रतिबंध लगा दिया था। कोविशील्ड जिस तेजी से तैयार की गई थी, उस पर वैज्ञानिक समुदाय में तभी सवाल उठने लगे थे। इसके बाद इस बात को लेकर जांच शुरू हुई कि टीका अपने काम में सुरक्षित भी है या नहीं। हार्ट अटैक की घटनाओं के लिए भी वैक्सीन को सवालों के घेरे में लाया गया। बिजनेस स्टैंडर्ड्स की रिपोर्ट के मुताबिक मेडिकल जगत के एक्सपर्ट्स ने जो सवाल इस वैक्सीन पर उठाए थे, उनको अब मजबूती मिली है। एस्ट्राजेनेका के बारे में दावा किया है कि इस वैक्सीन से कुछ मौतें हुई हैं और बहुत लोगों को गंभीर बीमारियों का सामना करना पड़ रहा है। ब्रिटेन की फार्मा कंपनी एस्ट्राजेनेका ने भी माना है कि उनकी वैक्सीन से खतरनाक साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। ब्रिटिश हाईकोर्ट में जमा किए गए दस्तावेजों में कंपनी ने स्वीकार किया है कि उनके वैक्सीन से थ्रोम्बोसिस यानी कि TTS हो सकता है। भारत में भी बड़ी संख्या में इस वैक्सीन को कोविड आने के बाद लोगों को दिया गया था। एस्ट्राजेनेका वैक्सीन क्या है? एस्ट्राजेनेका वैक्सीन को भारत में AZD1222 या कोविशील्ड के नाम से जाना जाता है। यह एक वायरल वेक्टर वैक्सीन है जिसे SARS-CoV-2 वायरस से बचाने के लिए डिजाइन किया गया, जो कि COVID-19 का प्रेरक एजेंट है। इस वायरस के काम करने के तरीके पर बात की जाए तो ये चिंपैंजी में पाए जाने वाले एक सामान्य सर्दी के वायरस के कमजोर संस्करण का उपयोग करके काम करता है। इसे SARS-CoV-2 वायरस से प्रोटीन के जीन को ले जाने के लिए मॉडिफाई किया गया है। ये शरीर में इंजेक्ट होने के बाद टीका इंसान के इम्यून सिस्टम को एंटीबॉडी बनाने और टी कोशिकाओं को सक्रिय करने के लिए प्रेरित करता है, ताकि इंसान की बॉडी संक्रमित होने की दिशा में इस वायरस से लड़ सके। एस्ट्राजेनेका वैक्सीन के बनाए जाने की बात की जाए तो वैक्सीन को ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और ब्रिटिश स्वीडिश दवा कंपनी एस्ट्राजेनेका के बीच सहयोग से विकसित किया गया। ऑक्सफोर्ड के शोधकर्ता कुछ सालों से एडेनोवायरस वेक्टर का उपयोग करके एक वैक्सीन विकसित कर रहे थे। कोविड महामारी आने के बाद उन्होंने कोरोना वायरस के खिलाफ एक टीका बनाने की दिशा में अपने प्रयासों को तेजी से आगे बढ़ाया। भारत में वैक्सीन की एंट्री पुणे स्थित फार्मा कंपनी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने भारत और कुछ दूसरे गरीब देशों के लिए कोविशील्ड वैक्सीन के निर्माण के लिए जनवरी 2021 में एस्ट्राजेनेका और ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के साथ डील की। साझेदारी के तहत सीरम को भारत और विश्व स्तर पर भारी मांग को पूरा करने के लिए बड़े पैमाने पर वैक्सीन का कोविशील्ड के नाम से उत्पादन करने की अनुमति मिली। कोविशील्ड बनने के बाद भारत में इसके वितरण को भारत सरकार और राज्य सरकार के सहयोग से सुविधाजनक बनाया गया और लोगों तक टीका पहुंचाया गया। भारत में 2022 तक दुनिया के सबसे बड़े टीकाकरण कार्यक्रम के हिस्से के रूप में कोविशील्ड 1.7 अरब से ज्यादा खुराकें दी गई। एस्ट्राजेनेका वैक्सीन के सरल भंडारण, व्यापक उपलब्धता ने भारत और दुनिया भर में टीकाकरण अभियानों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। भारत में बड़ी तादाद में आम लोगों तक वैक्सीन पहुंचाई गई। वैक्सीन के साइड इफेक्ट और प्रतिबंध देखिए, WHO ने एस्ट्राजेनेका वैक्सीन के दुष्प्रभावों को सूचीबद्ध करता है। इसमें हल्के से मध्यम लक्षण शामिल है। एस्ट्राजेनेका वैक्सीन प्राप्त करने के बाद रिपोर्ट किए गए दुष्प्रभावों में इंजेक्शन लगने की जगह पर परेशानी, अस्वस्थता महसूस करना, थकान, बुखार, सरदर्द, बीमार महसूस करना, जोड़ों या मांसपेशियों में दर्द, सूजन, इंजेक्शन स्थल पर डाली, चक्कर आना, नींद आना, पसीना आना, पेट दर्द, बेहोशी शामिल थे। तब कहा गया था कि दुष्प्रभाव अस्थायी होते हैं और अस्पताल में भर्ती होने की आवश्यकता के बिना ठीक हो जाते हैं। एस्ट्राजेनेका वैक्सीन की बारीकी से जांच के बाद इसे कई देशों में प्रतिबंधित कर दिया गया। डेनमार्क कोविड-19 वैक्सीन एस्ट्राजेनेका को बैन करने वाला पहला देश था। इसके बाद आयरलैंड, थाईलैंड, नीदरलैंड, नॉर्वे, आइसलैंड, कांगो, बुल्गारिया ने भी इस पर रोक लगा दी थी। जर्मनी, फ्रांस, इटली और स्पेन सहित यूरोपीय देशों ने भी 2021 में एस्ट्राजेनेका के कोविड-19 वैक्सीन का उपयोग बंद कर दिया, क्योंकि जिन रोगियों को टीका लगाया गया था उनमें रक्त के थक्के के कई मामले सामने आए। कनाडा, स्वीडन, लाटविया और स्लोवेनिया ने भी 2021 में इसके इस्तेमाल को रोक दिया। इसके बाद इस वैक्सीन को सुरक्षित ना मानते हुए ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और मलेशिया में भी इस पर बैन लगा दिया गया। अब नया विवाद वैक्सीन पर क्या है? दरअसल फरवरी में यूके की अदालत में जमा किए गए दस्तावेजों में एस्ट्राजेनेका कंपनी ने कहा है कि इसके इस्तेमाल में TDS के साथ थ्रोम्बोसिस नामक दुर्लभ दुष्प्रभाव हो सकता है। कंपनी ने कहा गया कि वैक्सीन कुछ मामलों में TDS का कारण बन सकती है। दस्तावेज में साथ ही कहा गया कि टीकाकरण न होने पर TDS हो सकता है। कैम्ब्रिज मुख्यालय वाली ब्रिटिश स्वीडिश बहुराष्ट्रीय फार्मास्यूटिकल और बायोटेक्नोलॉजी कंपनी अब एक क्लास सेशन मुकदमे का सामना कर रही है, जिसमें दावा किया गया है कि वैक्सीन कई मौतों की वजह बनी है। जिसके बाद भारत में भी कहीं ना कहीं लोग इस पर चर्चा कर रहे हैं। आप सोशल मीडिया पर देख सकते हैं या आम लोगों को भी बातचीत करते देख सकते हैं। कोविशील्ड को लेकर एक डर लोगों में बना हुआ है कि हाँ, कोविशील्ड के बाद ही लोगों में हार्ट अटैक के मामले बहुत ज़्यादा बढ़े हैं, कई तरह की गंभीर बीमारियाँ हुई हैं। खैर, अदालत में एक याचिका दाखिल की गई है। अब याचिका पर सुनवाई होती है या नहीं होती है, इसका इंतजार करते हैं। लेकिन आप कमेंट करके ज़रूर बताएं कि क्या वैक्सीन के बाद वाकई आपके आस पड़ोस में या आपके अपने परिवार में कुछ ऐसा हुआ है। @9 में आज के लिए इतना ही। कल फिर लौटेंगे किसी और मुद्दे पर बात करेंगे। धन्यवाद।